Hello and welcome to online schooling. Today we will be doing letter, yani patr. हिंदी में भी आपने बहुत से पत्र किए होंगे, तो आज हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग करेंगे। तो बच्चों, लेटर दो तरह के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर, जिसे हिंदी में औपचारिक पत्र कहते हैं। अब देखना ये होगा कि ये फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र हम कब कब लिखते हैं। चलिए देखते हैं। सही पता चल रहा है, जिसमें हम फॉर्मेलिटी करते हैं। और हम फॉर्मेलिटीज कहाँ करते हैं? घर में तो नहीं करते। जब हम कहीं बैंक जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या किसी भी ऑफिस जा रहे हैं, तो हम फॉर्मल रहते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, है ना? तो इसलिए बैंक, स्कूल या ऑफिस में जो भी हम पत्र लिखते हैं, उसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र, जो कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। क्योंकि जब भी हम पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के किसी मेंबर के साथ होते हैं, तब हम फॉर्मेलिटी तो बिल्कुल भी नहीं करते, है ना? तो इसलिए इनफॉर्मल लेटर यानी पेरेंट्स, फ्रेंड्स और फैमिली को लिखे जाने वाले पत्र, और फॉर्मल लेटर्स जो कि हम बाहर के किसी व्यक्ति को लिखते हैं, जैसे कि कहीं बैंक जा रहे हैं, किसी स्कूल में लिखना है, किसी ऑफिस में लिखना है या किसी भी अन्य, आपको पंचायत में या किसी भी और जगह आपको लेटर लिखना है, तो वो हुआ इनफॉर्मल। एक बार फिर से देख लीजिए, लेटर राइटिंग दो तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो हम स्कूल, बैंक, ऑफिस या किसी कंपनी को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो हम पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को या फैमिली के किसी मेंबर को लिखते हैं। तो ये तो था डिफरेंस फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। तो चलिए लेट्स बिगिन। हाउस नंबर सबसे पहले लिखेंगे आप, जो भी आपके घर का नंबर है। दी मॉल सोलन, ये है हमारा एड्रेस। जो भी आपके घर का पता है वो आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डेट। उसके बाद ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स यानी माई डियर डैश। अब जैसे हमने इसमें मुन्ना का एग्जाम्पल लिया, माई डियर मुन्ना। अगर आप अपने मान लीजिए अपनी बहन को लेटर लिख रहे हो या अपने भाई को लिख रहे हो, तो आप इसमें अपने उनका नाम लिख देंगे, जैसे माई डियर राहुल, माई डियर प्रिया। तो ये तो थी हमारी ग्रीटिंग्स। आपने जब भी लेटर को लर्न करना है, इसको पॉइंट्स बना के लर्न करना है। फर्स्ट आपका एड्रेस, सेकेंड डेट, और थर्ड आया आपका ग्रीटिंग्स। तो ये तो हमें याद हो गया। चलिए अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि अपने बारे में बताना। हम इंट्रोडक्शन करते हैं ना क्लास में, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, मेरा नाम ये है, है ना? और जब हम किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, और कैसे हो, क्या कर रहे थे, है ना? तो हम लेटर में इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखेंगे? Yes, hope all is well at your end. I am also doing good and enjoying this new system of online studies. तो ये हुई हमारी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद हम लिखेंगे लेटर की बॉडी। अब लेटर की बॉडी क्या हुई? गुड। लेटर की बॉडी का मतलब जो भी हम आगे वाले हैं उसको हम कहते हैं लेटर की बॉडी, यानी जो भी आपकी बात आप कहने वाले हो वो हम बॉडी में लिखते हैं। चलिए देखते हैं। नॉट ओनली हेल्प मी टू स्टडी बट ऑल्सो टू लर्न द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूसेज, बट आर फ्यू फ्रेंड्स आरंट डूइंग द वर्क गिवन टू अस। होप यू आर डूइंग एंड एंजॉयिंग द ऑनलाइन वर्क। मैं इंट्रोडक्शन लिख ली, बॉडी लिख ली, जिसमें आपने अपने फ्रेंड को बताया कि आप ऑनलाइन जो वर्क आ रहा है आपको, वो आप बड़े अच्छे से कर रहे हो और सभी को करना चाहिए। अब बॉडी लिखने के बाद जब हम अपनी बात कह लेते हैं फ्रेंड से बात करते समय, तो क्या आप बात करते करते सीधा बाय कर देते हो? नहीं। क्या हम एकदम से बाय करने की जगह क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, कल फिर मिलेंगे, ये सब कहते हैं ना? तो उसी तरह से हम लेटर लिखते समय अपनी बात को ख़त्म कैसे करेंगे? सीधा बाय तो नहीं करेंगे। हाउ विल वी डू दैट? लेट अस सी। लेटर में बाय करने के लिए हम पहले एंडिंग और क्लोजिंग लिखेंगे। एंडिंग
और क्लोजिंग यानी लेटर को खत्म कैसे करना है. सो लेट्स सी हाउ वी एंड एंड क्लोज द लेटर. एंडिंग और क्लोजिंग को ध्यान से देखिए. एंडिंग क्लोजिंग करते समय हम लास्ट में लिखेंगे टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली. कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कहते हो ना कि अंकल को नमस्ते कहना, आंटी को नमस्ते कहना, या छोटा कोई भाई बहन है तो उसे हमारा प्यार देना. उसी तरह हम इंग्लिश में इसी बात को कैसे कहेंगे. कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली यानी अपनी फैमिली में मेरी नमस्ते और छोटों को प्यार देना. और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अपना नाम, योर नेम. तो ये था हमारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए. सबसे पहले एड्रेस, फिर डेट, फिर ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, एंडिंग एंड क्लोजिंग. तो ये थे 7 पॉइंट्स. ये थे आपके 7 पॉइंट्स. सबसे पहले एड्रेस यानी आपका पता, डेट जो भी उस दिन की तारीख हो जब आप लेटर लिख रहे हो, और थर्ड है ग्रीटिंग्स, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर. तो ये है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स याद करने के बाद हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन. जैसा हमने पहले देखा था कि इंट्रोडक्शन में हम पहले ही बता देंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, और आप कैसे हैं, ये सब, होप ऑल इज़ वेल एट योर एंड, ये सब हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे. उसके बाद लिखेंगे हम लेटर की बॉडी यानी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. ये जो ग्रीन से ब्लिंक हो रहा है ये है आपका इंट्रोडक्शन. आफ्टर राइटिंग द इंट्रोडक्शन यू विल राइट द बॉडी ऑफ द लेटर. द बॉडी ऑफ द लेटर मीन्स दैट यू हैव टू मेंशन अबाउट व्हाट आर यू राइटिंग द लेटर. आपने लेटर में किस बारे में बात की है वो हम बॉडी में लिखेंगे. जैसे आपने बताया था कि हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें करना चाहिए, ये सब थी बॉडी. ये देखिए ग्रीन बॉक्स के अंदर जो हमने लिखा था ये था हमारा बॉडी. अब बॉडी लिखने के बाद हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है. उसके बाद क्योंकि हम लिखने वाले हैं हमारा एंडिंग, एंडिंग लिखने के लिए हम सीधा अपना नाम नहीं लिखेंगे, हम उससे पहले लिखेंगे कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली यानी अपने फैमिली में मम्मी को पापा को मेरी नमस्ते कहना, बड़ों को प्रणाम कहना और छोटों को प्यार. इसे हम इंग्लिश में कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली लिख देते हैं. एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए. मैं जानती हूँ आपको याद हो चुका है लेकिन फिर भी हम रिवाइज ज़रूर करेंगे. फर्स्ट इज एड्रेस यानी आपका पता. सेकेंड डेट, एड्रेस के नीचे हम डेट लिखेंगे. थर्ड ग्रीटिंग, माय डियर मॉम, माय डियर पापा. फोर्थ इंट्रोडक्शन. फिफ्थ बॉडी. सिक्स्थ एंडिंग. और लास्ट में क्लोजिंग. क्लोजिंग में हम अपना नाम लिखेंगे. तो ये था आपका लेटर राइटिंग. आई होप आपको अच्छे से सारे स्टेप्स लर्न भी हो गए होंगे और लेटर लिखना अच्छे से आ गया होगा. ओके, सो ट्राई एंड प्रैक्टिस राइटिंग लेटर इन योर रफ नोटबुक. See you very soon in the next video. Take care. Bye-bye.